नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोटिफिकेशन 1226E आया है, जिसमें पहले नोटिफिकेशन 115E को चेंज किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार पुराने नोटिफिकेशन में जो डेट 1 अप्रैल 2020 थी, उसकी जगह 1 जुलाई 2020 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इस प्रकार इस नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि सरकार ने फिनेंशियल ईयर 19-20 को 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया है। ये बिल्कुल नहीं है। ये नोटिफिकेशन इंडियन स्टाम्प अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू होना था, जिसको 1 जुलाई 2020 से लागू किया जाएगा। अभी तक फाइनेंशियल ईयर के बारे में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है, इसीलिए ये सब मानकर चले कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक ही है। केवल ATC का डिडक्शन, जो कि 30 जून 2020 तक किया जाएगा, उसका क्लेम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न में किया जा सकेगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।